वाघा से है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गन्ने की फसल की बर्बादी के बाद अब धान की तैयार फसल भी कटने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है। हालांकि कई किसानों ने धान की कटनी भी शुरू कर दी है। इस बीच एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। लगातार बारिश से धान की बालियां लगने के साथ ही बारिश ने धान की फसल को पानी में गिरा दिया। ऐसे में अब धान की फसल से भी किसानों को नाम मात्र ही उपज होने की उम्मीद है। जिन किसानों की धान की फसल पककर तैयार है, वो अब कटनी के लिए मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस साल बारिश के कारण गन्ना और धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दो साल से कोरोना तबाह किया, इस साल धान की खेती हुआ है तो बारिश इतना ना तबाह किया है कि मालूम पड़ता है कि धान नहीं बचेगा, सड़ जाएगा धान। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।